और वो इसको देखना नहीं चाहते कि ये मुसलमान औरतें ये किधर से इस तरह की इनको इतनी ज्यादा खुदी आई है। एक सहाफी ने लिखा कि एक तो इन लोगों ने इस तरह का लिबास पहना होता था होता है और पहले तो ये जरा थोड़ी दबी और सहमी हुई नजर आती थी, लेकिन आज तो ये बड़े प्राउड तरीके से और बड़ी प्राइड के साथ जिंदगी के हर मैदान में काम भी करती हैं और इस तरह की नजर भी आती हैं। तो यानी ये भी उनको बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है कि हम इस तरह से उनको क्यों मौजूद हैं। जिस तरह हमें एक औरियां औरत बुरी लगती है, इसी तरह उनको हम इसी तरह से एक गोली की तरह उनको नजर आते हैं। तो वो बड़ा उन्होंने डॉक्टर आफिया के लिए भी और हिजाब के लिए भी और जो मुसलमान औरत और उनसे हमें बड़ा हौसला मिला। और हमने भी ये फिर अपने अहदाफ तय किए कि हम अपने वुमेन एंड फैमिली कमीशन की तरफ से इंशाल्लाह डॉक्टर आफिया का केस भी अगर वो गलती पर भी हैं तो ये जो उनके साथ हुआ ये किसी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। वो अगर कोई गलती पर भी हैं तो उनको आके उनको यहाँ पर उनका मुकदमा लड़ा जाए और ओपन कोर्ट में लड़ा जाए, अगर इनकी कोई गलती है तो वो भी नजर आ जाइए। उधर ही एक इकोनॉमिस्ट का नुमाइंदा मुझसे पूछने लगा कि आप ना तुर्की की ये बात है, जब ये फ्रीडम फ्लोटेला के ऊपर वो हुआ था तो हम भी उधर ही थे, तो मुझसे पूछने लगे कि जी आप बहुत ही ज्यादा ऊपर उम्मीद नजर आती हैं और हर तरफ मुसलमानों का इतना बुरा हाल है और फिर भी आपको कैसे एक उम्मीद नजर आती है। मैंने कहा देखें जी, मैं उस नबी की उम्मत से ताल्लुक रखती हूँ जिनको वो जब जा रहे थे जो सिर्फ वो दो में से दूसरे थे और गारसोर की उन चीजों में भी उनको कैसर और किसरा की उन चिंगारियों के वो सुराका को कहा कि मुझे तुम्हारे इस घोड़ों की टापों में कैसर और किसरा के महल नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा देखें जी मैं बिलीवर हूँ। बिलीवर का मतलब ये होता है कि वो ईमान बिलगैब रखते हैं और उसको ये पता होता है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो सारी ग्राउंड रियलिटी जमीन बोस हो जाया करती है, सारे जो जमीनी हकायक हैं वो जमीन बोस हो जाया करते हैं जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है। तो मैंने कहा एक तो मेरे कुरान ने बहुत वाज़े तौर पर कहा है कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा वदीन अलहक के लिए ज़ीरहू वलदीन कुल्ले वलो करहल काफिरून, वाज़े तौर पर ये आयत है। हमें इसके ऊपर यकीन 100% है और होना चाहिए, इसलिए इसमें शक व शुबा तो ईमान ही को खराब कर देता है। तो अल्लाह ताला का वादा है कि इस दीन में कायम होना है, इस दीन का इजहार होना है। तो मैं और आप तो सिर्फ मुकल्लफ है कि हमने अपना काम करना है, हमें यकीन है कि इंशाल्लाह इस सुबह ने जरूर आना है। दूसरी बात ये कि हम इस वुमेन एंड फैमिली कमीशन की तरफ से ये भी ऐलान करते हैं कि इंशाल्लाह जो भी हिजाब को अगर दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जा रहा है, हमारे मुल्क को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जा रहा है, हमारी ख्वातीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है, उन सब के लिए हमने एक मुजाहमती किरदार को जिंदा करना है। जो हमें इम्यून किया जा रहा है, जो हमें सुलाया जा रहा है, जो हमें ख्वाब गफलत में सुला सुला के एक हमें मायूस किया जा रहा है, कहते हैं ना मायूसी एक दलदल है, उसमें आप एक कदम रख लेते हैं दूसरे की उठाने की जरूरत नहीं होती, खुद ब खुद बंदा गिरता चला जाता है। हमें इस मायूसी से अपनी कौम को निकालना है। हम अल्लाह ताला की दीवी हर चीज हमारे पास मौजूद है, एक अज़्म और उस यकीन को कि जो अल्लाह के रसूल ने अपनी कौम में भरा था, हमने उसी यकीन और उसी अज़्म को अपनी कौम में इंशाल्लाह दोबारा भरना है। आज जब औरत का रोल रीडिफाइन हो रहा है इस बदलती हुई तेजी से की दुनिया में, जब उसका किरदार चेंज होता नजर आ रहा है, हम इस हॉल से ये तय करके जाए कि हमने वही किरदार अदा करना है जो हमारे रब ने और जो हमारे रसूल हमारे लिए डिफाइन करके गए हैं। हम उसी किरदार के ऊपर बड़े मुतमईन हैं, हम उसके ऊपर बड़े राजी हैं, और जो मुआवनत का और जो रिफाकत का किरदार मर्द और औरत का अल्लाह ताला ने डिफाइन किया हुआ है, उसी किरदार को इंशाल्लाह हम लोग इस दुनिया में अपने इस माशरे में दोबारा राइज करेंगे। और मेरे वालिद मोहतरम बड़ी प्यारी बात हमें बताया करते थे कि कहते हैं ना कि औरत और मर्द शाना बशाना, आज का दौर जो है औरत और मर्द शाना बशाना करें, तो कहा कि बेटा हर मर्द और हर औरत के शाना बशाना हो, लेकिन वो मर्द उसका अपना हो, वो उसका बाप हो, वो उसका शौहर हो, वो उसका भाई हो, वो उसका बेटा हो, अपनी उस तरतीब के साथ चलो तो सारा मुआशरा तरक्की करेगा। लेकिन हर औरत कहे कि मैंने हर मर्द के शाना बशाना चलना है, तो सारी ये तरतीब और सारी ये जो फैब्रिक है ये टूट जाएगा। तो अल्लाह करे कि हम यहाँ से ये तय करके जाएं कि हमने उस अज़म को और हमने उस यकीन को, हमने उस फख्र को
جو اللہ تعالیٰ نے بینگ اے وومن اور بینگ اے مسلم وومن ہمیں عطا کیے, انشاءاللہ ہم اسی کردار کو لے کر بھی چلیں گے. یہ وومن اینڈ فیملی کمیشن جماعت اسلامی نے اسی لیے بنایا بھی ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنے علماء کرام سے ہمیشہ رہنمائی بھی لیتے رہیں گے. دیکھا ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے, انشاءاللہ وہ جو مایوسی کے بادل تھے وہ چھٹ رہے ہیں, اور بہت تیزی سے انشاءاللہ وہ اسلام کی جو سحر ہے وہ طلوع ہو رہی ہے. مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میں آخر میں ویمن اینڈ فیملی کمیشن سندھ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دو دن ہمیں بہت ہی زیادہ اہم موقع پر اور بڑے اہم ٹاپکس اور بہت ہی بہترین مقررین انہوں نے جمع کیے. اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو بہترین جزائے خیر دے, اور ان کو اس دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا کرے, اور آخرت میں بھی ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.